फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नवरात्रि व्रत में दो ऐसी रेसिपी जो कि आप चुटकियों में बना सकते हैं, बहुत कम टाइम में बनती है और ज्यादा कुछ खास इंग्रेडिएंट्स भी इसमें नहीं जाते हैं, पर टेस्ट में इतनी लाजवाब होती है कि आप एक बार खा लेंगे ना तो पूरे 9 दिन यही बनाएंगे। आइए देखते हैं कौन कौन सी रेसिपीज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज की वीडियो शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं गीता वर्मा, गीता किन्नू रेसिपीज हिंदी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने गैस पे कढ़ाई रख ली है, इसके अंदर मुझे डालना है तेल। तेल, घी, जो भी आप अपने व्रत में यूज करते हैं वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मूंगफली का तेल इस्तेमाल किया है। 1/4 कप मैंने यहाँ पे मूंगफली का दाना लिया है। ये कच्ची मूंगफली है, भुनी हुई नहीं है, तो इसलिए मैं इसे थोड़ा सा फ्राई करूंगी धीमी धीमी आंच पे। इसे 2 मिनट के लिए मुश्किल से हम फ्राई करेंगे और 2 मिनट बाद आप देखेंगे इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये इसमें से थोड़े थोड़े क्रैक्स आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मूंगफली का कलर डार्क हो गया है, ये काफी अच्छे से भुन चुके हैं, इसे निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे जो तेल बचा हुआ है इसके अंदर हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरे को हल्का सा फ्राई होने देंगे। जो लोग व्रत में जीरा नहीं इस्तेमाल करते वो जीरा स्किप कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक कद्दूकस किया हुआ, और जो लोग अदरक भी नहीं खाते हैं वो भी स्किप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ बारीक कटी हुई। थोड़ा सा मैं इसे चटपटा बनाने वाली हूँ इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा हरी मिर्च डाली है, क्योंकि मसाले इसमें कुछ जाएंगे नहीं। तो जब ये रेसिपी चटपटी बनती है ना तभी ये बहुत टेस्टी लगती है, और गारंटी है मेरी एक बार आप इसे खा लेंगे ना पूरे 9 दिन यही बनाएंगे। एक तो झटपट बन जाती है और पूरा दिन आपको एनर्जी देने वाली है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं काफी सारे आलू, यानी 5-6 आलू मैंने बड़े साइज के लिए थे, उसे उबाल लिया था, और उबालने के बाद इसे मैंने मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसे इस तरह से डाल देंगे, आप देख सकते हैं बहुत छोटे टुकड़े आपको नहीं करने हैं, बड़े बड़े टुकड़े इस तरह से करके डाल दीजिए। और यहाँ पे अगर नॉन स्टिक पैन का यूज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये नीचे से चिपकेगा नहीं, बट मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक नहीं यूज किया तो ये हल्का हल्का लग रहा है। ऐसी कंडीशन में अगर आपका थोड़ा सा लग रहा है तो इस स्टार्टिंग में ही ना थोड़ा सा तेल ज्यादा डालिएगा जिससे आलू चिपके। तो यहाँ पे आलू को हमें हल्का हल्का सा भूनना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर, ये फ्रेशली कुटा हुआ काली मिर्च का पाउडर है, पहले वाला आपको नहीं लेना है क्योंकि फिर उससे टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो ये मेरा घर का कुटा हुआ काली मिर्च का पाउडर है। साथ ही मैंने यहाँ पे सेंधा नमक डाल दिया है जिसे व्रत में, तो यहाँ पे मैं इसे चटपटा रखने वाली हूँ, उसी हिसाब से नमक और काली मिर्च आपको डालनी है। अगर कम पसंद करते हैं तो कम डालिएगा, अगर थोड़ा चटपटा, क्योंकि फास्ट जो होता है व्रत में थोड़ा सा चटपटा ज्यादा अच्छा लगता है, और इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं जाएगी, कोई मसाले कुछ नहीं जाएगा, तो इसलिए मैं इसे थोड़ा सा चटपटा ही रखने वाली हूँ। यहाँ पे हल्का सा मैंने इसे 2 मिनट के भून लिया है। 2 मिनट के भूनने के बाद हम इसमें मूंगफली दाना डाल देंगे और इसमें बहुत ही अच्छा क्रंच आ जाता है इसके अंदर, और ये जो रेसिपी है ना बहुत टेस्टी लगती है, झटपट वाली रेसिपी है, कोई झंझट नहीं है इसे बनाने में। बस हल्का सा इस तरह से मिक्स करिए, मैंने तेल कम डाला था इसलिए थोड़ा सा ये कढ़ाई में लग रहा है। अगर आप थोड़ा सा तेल ज्यादा, तेल या घी जो भी यूज करते हैं थोड़ा सा ज्यादा डालिएगा तो ये बिल्कुल भी लगेगा नहीं। तो ऊपर से मैंने हरा धनिया डाल दिया है, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पे हमारी रेसिपी तैयार है। पर इसे सर्व करने का एक तरीका, इसे कैसे खाते हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं, और गर्मा गर्म कितनी टेम्पटिंग लग रही है, देख के ना मुंह में पानी आ जाता है नवरात्रों में। तो इस तरह से गर्मा गर्म आप सर्व कीजिए, मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं, उनको भी बहुत पसंद आने वाली है, एक बार ट्राई करके देखिएगा। मेरे घर में मेरी फैमिली को बहुत पसंद आती है, मैंने आज तक जिसको भी खिलाया ना सबने बहुत तारीफ की है। ऊपर से डालेंगे ये फ्रेश अनारदाना जिससे इसका लुक भी बहुत अच्छा चेंज हो जाता है और खाने में भी ये बहुत टेस्टी लगता है। अब आते हैं दूसरी रेसिपी पे, और यहाँ पे मैंने फिर से कढ़ाई रखी है जिसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 से 3 बड़े चम्मच। अब इसके अंदर मुझे डालना है मखाना। मैं यहाँ पे बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी मखाना की खीर, जो कि मैंने एक हलवाई से सीखी थी, उसी का तरीका है। और मखाने को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, 3 से 4 मिनट लगते हैं, धीमी आंच कर दीजिएगा। धीरे धीरे भूनते भूनते आप देखेंगे जो मखाना है पूरा घी अब्सॉर्ब कर लेता है और वो एकदम क्रिस्पी हो जाता है, और घी
उसके अंदर चला जाता है तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे जो मखाना है बहुत अच्छे से भुन गया, इसने पूरा जो कढ़ाई है वो ड्राई हो चुकी है, सारा जो घी है वो अच्छे से अब्सॉर्ब कर लिया है और काफी अच्छे से क्रिस्पी भी हो गया। इसे मैं निकाल लेती हूँ और सेम कढ़ाई का मैं फिर से यूज करूंगी। इसके अंदर मैं 1 लीटर दूध डाल रही हूँ। यहाँ पे आप फुल क्रीम दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे टोंड लिया है, और कोई भी दूध यूज कर सकते हैं, गाढ़ा लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूध को अच्छे से उबाल लेंगे और इसे थोड़ी देर पकाना है ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। मैंने टोंड लिया था, अगर फुल क्रीम ले रहे हैं तो उतना पकाने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे दूध पकाते पकाते थोड़ा सा कम हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसे हम पकने देते हैं, इसको चलाते रहिएगा ताकि ये निकले नहीं और गाढ़ा होता जाए। तो जो मैंने मखाने लिए थे उसमें से आधा मखाना मैंने पीस लिया है और आधा मैंने साबुत रखा है। अगर आप चाहते हैं कि दूध आपको ज़्यादा देर ना पकाना पड़े तो आप मखाने की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लीजिएगा, जिससे कि आप इसमें जब पीस के डालेंगे तो दूध बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है। थोड़ा सा साबुत मैंने बचा लिया था, वो मैंने ऐसे ही डाल दिया, जो कि देखने में और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो हलवाई जो होते हैं ऐसे ही बनाते हैं मखाने की खीर, और ये मैंने उन्हीं से सीखा है, जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया आपको। तो इस तरह से मैंने ये डाल दिया है मखाना, थोड़ा सा इसे और पकाएंगे। मखाना डालने पे ये जो खीर है वो थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी, और अगर आपके पास मलाई पड़ी हो तो आप इसमें मलाई भी डाल सकते हैं, ये और भी ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी। काफी सारे मैं इसमें ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, जिसमें मैंने लिया है नारियल, लिया है काजू, बादाम, और मैंने यहाँ पे चिरौंजी ली है, जो कि बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है खीर में किसी भी। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसे और पकाऊंगी ताकि खीर जो है वो, तो इसे अब चलाते रहेंगे, थोड़ा सा और पकाना है, बहुत ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं। जैसे ऑलरेडी मैंने बताया कि मखाना थोड़ा ज्यादा डालेंगे तो ये इतना आपको पकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। और अभी ये ना गर्म है तो थोड़ा पतला आपको नजर आ रहा होगा, जैसे जैसे खीर ठंडी होती है एकदम गाढ़ी हो जाती है। तो इसे मैंने पका लिया है, अब इसमें मीठा डालने की बारी है। तो मैं यहाँ पे चीनी डाल रही हूँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना आपको मीठा पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें चीनी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हाथ से ही डाल रही हूँ, और यहाँ पे मैंने 3/4 कप, 3/4 नहीं, आधा कप के करीब मैंने यहाँ पे चीनी डाली है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दूध काफी गाढ़ा हो गया है, पहले से आधा हो गया है, हमारी खीर रेडी है। अभी थोड़ी सी पतली लग रही है, जिससे सी ठंडी होगी एकदम गाढ़ी हो जाएगी। इसे हम सर्व करेंगे, आप इसे थोड़ा ठंडा करके खाएंगे और भी ज्यादा टेस्टी लगेगी। वैसे बहुत लोग गर्म भी खाते हैं, जैसे मेरी सासू माँ, तो वो गरम गरम खीर खाना पसंद करती हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे गर्मा गर्म सर्व कर दिया है, और देखने में बहुत अच्छी लग रही है। देखने में क्या, जब इसे खाएंगे ना तो इसका स्वाद आपको जिंदगी भर याद रहेगा, कभी भी भुलाएंगे नहीं, और हर नवरात्र इसे बनाएंगे। और कितनी झटपट वाली रेसिपी है, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत पसंद आएगी जिसको भी खिलाएंगे। थोड़ा सा मैंने इसे गार्निश किया है गुलाब की पत्तियों से, आप चाहे तो इसे पिस्ता से गार्निश कर सकते हैं, नहीं करना चाहते ऐसे भी खाइए, बहुत टेस्टी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ऐसी और भी नवरात्रि वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ।